ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन. तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन को ऐसे समझिए, हमने इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया, अब वो एक्साइटेड स्टेट में है. बट आप जानते हैं एक्साइटेड स्टेट की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां पे 10^-8 सेकेंड से ज्यादा नहीं रुक सकता है. ठीक है, उसको वापस से अपने नॉर्मल स्टेट में आना होगा, जिस स्टेट में वो ऑक्यूपाई है या जिस एनर्जी स्टेट के लिए उसकी बनी हुई है, एनर्जी लेवल है, उसी स्टेट में वो वापस आएगा. तो होगा क्या, हमने उसको एक्साइटेड कर दिया, बट 10^-8 सेकेंड बाद वो E2 स्टेट से वापस E1 स्टेट में आएगा. तो फिर फोटोन एमिट करेगा एनर्जी E2-E1 के डिफरेंस की, एच न्यू के बराबर. दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन. इसके लिए अभी हमने बाहर से कोई रेडिएशन नहीं डाला, ये ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया था. अब खुद से एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आया विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी. तो इसलिए इस प्रोसेस को, या कह लीजिए स्पॉन्टेनियस हुआ एक्शन, क्योंकि 10^-8 सेकेंड बहुत कम टाइम होता है. देयरफॉर दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. व्हेन एटम और आयन इन अ अपर एनर्जी लेवल कैन डिके ऑटोमेटिकली टू अ लोअर एनर्जी लेवल एंड एमिट अ फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी एच न्यू, then this process is known as spontaneous emission. या हम इसकी एक डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, the emission of radiation from higher energy level to lower energy level without any external influence is called spontaneous emission. Figure ये नहीं बनाएंगे. Normally जो आपकी ordinary lights होती हैं, जो mercury lamps होते हैं, sodium lamps होते हैं, वो सारी इसी process पे work करती हैं, spontaneous emission पे. ठीक है, तो वहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स को या एटम्स को जो है एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देते हैं बाय कोलिजन. इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होता है और वो एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है. फिर वापस से वो लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो फोटोन एमिट करता है, और वो फोटोन हमारी आईज कैप्चर करती है, तभी हमें चारों तरफ लाइट दिखाई देता है. ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है नॉर्मल जो लाइट्स होती हैं उसमें ये प्रोसेस होता है. तो दूसरी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं इसकी, एमिशन, जो आपको जो इजी लगे डेफिनेशन वो लिखिए. दोनों डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है ये. ठीक है, द एमिशन, मैं वैसे दूसरी वाली को प्रिफर करूंगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड चेंज करने से हम स्टिमुलेटेड एमिशन की डेफिनेशन पे पहुंच जाते हैं. द एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम higher energy from higher energy level to lower energy level without any external influence is called spontaneous emission. क्योंकि बाहर से कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो जो प्रॉबिलिटी है पी से टू से वन आने की इज इक्वल टू हो जाती है A21, और A21 is known as Einstein coefficient of spontaneous emission. तो A21 normally क्या है, energy levels की property पे depend करता है कि energy levels क्या है. और इस definition में अगर हम without की जगह with लगा लें तो हमारी stimulated emission की definition बन जाती है. इसलिए मैं ये next वाली definition prefer करती हूँ. ठीक है, आपकी मर्जी है, जो आपको easy लगे आप वो लिख सकते हो. The emission of radiation from higher energy level to lower energy level without any external influence is called spontaneous emission. Or when an atom ion is in upper energy level can decay automatically to lower energy level and emit a photon of frequency h nu, refer as a spontaneous emission. Figure ये नहीं बनाइएगा, figure next slide पे है. तो क्या होगा, 10^-8 second बाद इलेक्ट्रॉन वापस से लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा.
ठीक है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है कि इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा ही फोटोन है रैंडम डायरेक्शन में जाता है, रैंडम डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए क्या है हमें जो रेडिएशन है वो कोहेरेंट नहीं मिलता है। इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड स्टेट में है और स्पॉन्टेनियसली खुद से 10^-8 सेकेंड बाद वो लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। तो इनिशियली क्या है एक्साइटेड स्टेट में है, फाइनल ट्रांजिशन क्या है कि वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया और एक फोटोन उसने एमिट किया। द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ट्रांजिशन डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी लेवल E1 एंड E2। तो P21 ब्रैकेट में यहाँ पे अब स्पॉन्टेनियस लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 से 1 में आने की दो प्रोबेबिलिटी हैं, या तो वो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा या स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन कब होगा अभी आगे देखेंगे। अगर वो स्पॉन्टेनियस एमिशन है तो वो इक्वल टू A21 के बराबर होगा, और A21 को हम क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन कोफिशियंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। किस पे डिपेंड करेगा ये, प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी लेवल्स पे।